दोस्तों अज मैं थोड़े नाल विचार सांझे करने ने जिहड़ा कल सुखबीर सिंह बादल भुलत्थ विखे उन्होंने एक रैली जी करते फिरदे ने सारे पंजाब च जवाब मंगदा है पंजाब। पहला तो इन्हां नूं जवाब देना चाहिए जिहड़ा इन्हां ने 10 साल पहला लगातार लुट कसुट की और उस तो पहला जिहड़ी 5 साल इहदे पिता ने रज के पंजाब नूं दोनों हत्थां नाल लुट्टिया ने बलात्कार किया वो मैं थोड़े नाल चर्चा बाद च करदा, पर जिहड़ा इसने मेरे मुतलक अपशब्द बोले अपमानजनक शब्दावली जिहड़ी बोली आ उहदे बारे तुहाडे नाल विचार सांझे करना चाहुंदा। मैनूं इत्थे स्टेज तो पब्लिक की हाजिरी च कह के गया कि इत्थे एक चोर फिरदा खेरा। दोस्तों मैं पहली गल तां इह सुखबीर नूं कहना चाहुंदा वां कि जदों बंदा आप चोर हुंदा ना झूठा बेईमान उदों बाकी सारी दुनिया भी चोर नज़र आउंदी आ। जे मैं पहला सुखबीर नूं पुछां कि तुसीं किसे ते उंगल चक्कण तों पहलां कि तुसीं दस सकदे हो कि तुसीं पिछले कई दहाकों तो आ जिहड़े तुसीं 7 सितारे होटल बनाए ने वड्डे वड्डे सैकड़े करोड़ों रुपए के आ जिहड़ियां बसां दीआं वड्डियां वड्डियां सैकड़े बसां दी कंपनियां बनाईआं ने तुहाडे सारे सूबिआं विच फार्म हाउस ने किते हरियाणे च राजस्थान ते पंजाब च तुहाडी देशां विदेशां विच प्रॉपर्टी आ। तुहाडा जिहड़ा 9 सैक्टर चंडीगढ़ है उत्थे फार्म हाउस आ नॉर्मल लोकां दी कोठियां हुंदीआं तुहाडा 1.5 किले का फार्म हाउस आ। सारी दुनिया तुहाडे करप्ट मैथडोलॉजी नूं जाणदी आ। इत्थे बस नहीं करप्शन करना एक अलग गल है, पर जो तुसी अपने धर्म के नाल तुसी बेईमानी की अखौती अकाली दल का प्रधान बन के जो तुसी खिलवाड़ किया ना अकाल तख्त साहब के नाल SGPC के नाल वो तुहानू सारी जिंदगी कदी उस वाहिगुरू तो माफ़ी नहीं मिलनी। तुहाडे राज विच गुरु ग्रंथ साहब दीआं बेअदबियां होईआं तुहानू सब पता सीगा कि बेअदबियां करन वाले कौन ने किहड़े डेरे वालिआं ने प्लैन किया किस तरह उन्होंने उसनू अंजाम दिता तुहानू सब पता सीगा, पर तुसीं जाण बुझ के वोटां दी खातर अखां मीट के रखियां। इत्थे बस नहीं तुहाडे जिहड़ा पुलिस दा DGP जिहड़ा तुसीं लाया सी एनकाउंटर स्पैशलिस्ट सुमेत सिंह सैणी उह तां कहिंदे असीं पंथक सरकार आ। जिस बंदे ने सिखां नूं झूठे पुलिस मुकाबलिआं विच मारिआ सीगा तुहानूं शर्म नहीं आई तुसीं उस नूं DGP लाया पंजाब दा सुमेत सैणी नूं, अज उहदे ते कतल दा मुकदमा चल रिहा वा। और उस आदमी दे जरिए तुसीं बहबल कलां दे विच 2 बेकसूर सिख नौजवानां नूं उत्थे उन्होंने गोली मार के उन्होंने हत्या करवाई आ। तुसीं हत्यारे हो, एक आदमी ते इल्जाम लाना कि चोर कहना वो गल लग गया, एक हैगा कि तुहाडे अपने हाथ सारे खून नाल रंगे हुए ने मेरे वीरों इन्हां दे आप सुखबीर बादल वगैरह दे। और जिहड़ा मैं कहना चाहुंदा कि डेरा सच्चा सौदा दे मुखी नूं तुसीं अकाल तख्त साहब वर्गी एक महान संस्था का दुरउपयोग करके उन्हूं माफ़ीनामा दवाया, फिर कायरां दी तरह डर के वह माफ़ीनामा वापस लिया। सारा पंजाब सारी दुनिया च बैठे सिख तुहाडे किरदार नूं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए किसी होर ते इदां दे शब्द वरतों तो पहले एक बार झात मार लिया करो कि तुसीं कर की रहे हो। और फिर यह कहिंदा कि खैरा क्योंकि बोलता बहुत सीगा इसलिए इहदे ते ED ने रेड किया, ये ड्रग्स के नाल कनैक्टड आ। जदों ED इहदे साले नूं फड़े बिक्रमजीत नूं उहदे तहकीकात करे उदों ED बहुत माड़ी आ, क्योंकि ED दे उसे ही जगदीश भोले दे केस विच अज भी वह एफिडेविट का रिकॉर्ड है कि बिक्रम मजीठिए नूं जिहड़े इंटरनेशनल ड्रग कातल सीगे उन्होंने ये ड्रॉइंग रूम में बैठ के चंदी अमृतसर की कोठी 35 लाख रुपया इलेक्शन फंड दे दिते। इसनों कहिंदे ने ड्रग मनी और इसनों कहिंदे ने मनी लॉन्डरिंग, और जो तुसीं बाकी कीता सारा वो तुहाडे सारे लोगों की कचहरी के हाजिर। मैं सारी दुनिया चंगी तरह जानती कि मैं एक विसल ब्लोअर हाँ, मैं कभी कोई सत्ता तुहाडे वांगू माण के उहदा दुरउपयोग नहीं किया। मैं एक बेइनसाफी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, हर किस्म के माफिया के खिलाफ एक क्रूसेडर है। सब नू पता कि BJP ने मैनू मिथ के टारगेट किया वा, तुहानू नहीं टारगेट किया, तुहानू किसी ED ने नहीं फड़िया, तुसीं अरबा खरबा पति हो इस वेले और इलगॉटन वैल्थ है तुहाडे कोल, तुहानू किसी ED ने टारगेट नहीं किया। लेकिन सारे पंजाब चों सुखपाल सिंह खैरा नू इसलिए किया क्योंकि मैं किसान अंदोलन में डट के उन्होंने हमायत की, तो BJP का डट के विरोध किया। नवरीत सिंह डिबडिबा याद है ना, सुखबीर सिंह बादल तैनू मुंडा मारिया गया UP का रुद्रपुर का, तुसीं एक शब्द कढ़िया अपने मूँह दे विच्चों, मैं उस दी लड़ाई लड़ी। उस तो पहला मैं युआपा वर्गे काले कानून जिहड़े BJP ने बनाए, जिहड़े किसी वेले टाडा ते पोटा दी एक एक सिमिलर एक्ट है ड्रैकोनियन, मैं उस दा सारे पंजाब दे विच दिल्ली तक युआपा दा विरोध किया, जिहदे करके मैं BJP दे टारगेट पिया। वो मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा अगर कोई ED मेरे ते हमला कर रही है, केस बनाउंदी है, इदां दे कई केस पहला तुसीं भी बनाए ने, 6 मुकदमे बादल दी सरकार तुसीं मेरे खिलाफ आ। जिहड़ा फाजिलका दा तुसीं कहिंदे ना कि ड्रग्स नाल मैनू कनैक्ट किया, ये तुहाडी मेहरबानी हुई सी, उदों तुसीं मैनू उस फर्जी मुकदमे विच जोड़िया जिहदे विच
मैनू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारिया प्रोसीडिंग स्टे कीतियां हुई ने और ईडी नूं भी पता वा कि जिहड़ा केस उन्होंने चक्किया वा फाजिलका दे एनडीपीएस का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों स्टेड है। इस करके मैं तो जो कर रहा वा एक मनुखता की एक अपने सूबे के अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा वा पर तुसीं की कर रहे हो और किहदे नाल स्टेज सांझी कीती सी बीबी जगीर कौर एक सज़ा याफ्ता औरत तुहानूं सारे एक पौने 200 एसीपीसी मैंबर चो कोई बंदा नहीं लभ्या तुहानूं। इस करके तुसीं हथ टोकियां नूं बणाउंदे हो तुसीं उहनां नूं एसीपीसी का अकाल तख्त साहब का चार्ज दिंदे हो जिहड़े तुहाडे कठपुतलियां होण जिहड़े तुहाडे ते इशारियां करन। एक गल याद रखियो देर है अंधेर नहीं उहदी अदालत विच तुसीं लोकां दी अदालत विच तां पैसे खर्च के शराबां पिला के जित के एमपी बन सकदे हो एमएलए भी बन सकदे हो पर उहदी अदालत विच तुहानूं एक दिन हिसाब देना पवेगा। इसलिए मैनू चोर कहने तो पहला एक बार अपने गिरेबान दे विच अंदर झात मार के चंगी तरह ना जदों कल्ला बैठा होवेगा ना सुखबीर सिंह बादल एक बार झात मार के देखी कि मैं की कुछ किया मेरे हाथ किन्ने खून विच रंगे हुए ने पंजाब दे लोकां दे किन्ने परचे दर्ज कराए किन्ने माफिया पंजाब दे विच पैदा किए किन्ने ड्रग्स का व्यापार पंजाब दे विच तुसी जान बुझ के उस नूं पंजाब दे विच अपने होमे नूं पट्ठे पाउण वास्ते तुसी जो पंजाब दे नाल खिलवाड़ किया वो तुहानूं लोग कदी माफ नहीं करनगे। ठीक है रैलियां करी जाओ जिन्नियां कर सकदे हो मंगदा पंजाब जवाब जी तुसी मंगण वाले कौन हो मैं किसी की हिफाजत नहीं करता पहला तुसी दसो कि जिहड़ा 10 साल तुसी लुट कसुट कीती और लोगों के जिदा मैं पहला कहा कि उन्होंने झूठे मुकदमे हज़ारा की तादाद में जस्टिस महताब सिंह गिल कमिशन बैठा 6 तो मेरे से हुए थे तुसी झूठे परचे दर्ज कराए तुसी ड्रग माफिया की सपोर्ट की तुसी बेगुनाह बंदियां दे मैनूं कुदरती याद आ गया युआपा सुखबीर सिंह बादल इहदा जवाब दें जरा चंगी तरह सोच के युआपा कानून 2011 दे विच नवांशहर की अदालत में 3 नौजवान अरविंदर सिंह ते उहदे 2 साथी सिर्फ लिटरेचर के आधार के उत्ते तुहाडी पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल उन्हां ते परचा दर्ज करके उन्हां बेगुनाह बच्चों नूं फड़ के अंदर दिता उन्हां नूं उम्र कैद सज़ा सुनाई आ सैशन जज नवांशहर ने उन्हां दी अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग आ। किसी बेगुनाह नूं सिर्फ लिटरेचर किताबां और किताबां भी कहिंदियां सी भाई रणधीर सिंह जिहड़े फ्रीडम फाइटर सीगे जिहड़ियां उन्हां ने उस वेले जेल चों चिट्ठियां लिखियां उह तुहाडी कमली पुलिस ने उन्हां नूं आधार बना के उन्हां ते UAPA का एक्ट ला के उन्हां नूं बेगुनाह बच्चों नूं अंदर तक दिता अज्ज उम्र कैद कट रहे ने सुखबीर बादल तेरी बदौलत। और याद रखना जदों एक भी बेगुनाह बंदा एक भी उन्हूं उहदे ते इस तरह का तुसीं अत्याचार करदे हो उहदे ते झूठे परचे दर्ज करा के उन्हां दी जिंदगी तबाह कर दे उन्हां दी हा जिहड़ी आ ना वह तैनू लगनी ही लगनी है। इस करके सारा पंजाब तुहाडे ते थुकदा वा तुहानू थू थू करदा वा। और याद रखना कि 2022 च रैलियां जिन्नियां मर्जी कर लो फर्जी तुसीं बंदे बसां च ढो सकदे हो कल भलत विच सारा अद्धा कट SGPC दे मुलाजमान दा सी मैं घट्टो घट्ट ने 20 बसां SGPC दियां स्पोंसर्ड इस कट विच आउंदे देखियां ये सारे फर्जी कट ने तुहाडे लीडर तैनू भी चकमा दे रहे ने तैनू मूर्ख बना रहे ने तुहानू पता लग जाएगा कि 2022 दे विच लोकां दा फतवा किधर जांदा होर मैनू पता नहीं गा लेकिन तुहानू लोगों ने कभी जिंदगी विच माफ नहीं करना। इसलिए खबरदार जे अगली बार तुसी इस तरह की कोई भैड़ी शब्दावली मेरे लिए वरती मैं एक बार नहीं तुहाडा 10 बार ठोकवा जवाब और तथ्यां दे आधार ते ठोकवा जवाब दे सकदा। मैनू उम्मीद है कि तुसी सारे जिहड़े ये फर्जी बादल जिहड़े अखौती पंथक नहीं गे ये साडे कौम दे दोषी ने एंटी पंजाब ने एंटी फार्मर ने कल तक मोदी सरकार दे तलवे चटदे सीगे अज भी इन्हों मोदी कुछ नहीं कहता। और मेरी गल याद रखना कि शायद 2022 अकाली दल तो जो अखौती बादल अकाली दल BJP इकट्ठे इलैक्शन लड़नगे चाहे ये सीधी लड़ लैन तो चाहे असिधे तौर पर इलैक्शन इकट्ठे होकर लड़नगे ताइयों एक दूजे के खिलाफ नरम नरम भाषा के बोलते जे ये वाकई दुश्मन से मोदी का तो फिर ED का केस खहरे तो नहीं बनना चाहिए सगा इस सुखबीर बादल जरा जिन्हों लोग गप्पी भी कहें जिन्हों झूठा भी कहें जिन्हों बेईमान भी कहें ये बनना चाहिए से। उम्मीद है कि तुम मेरे जोड़े विचार ने क्योंकि मेरे थोड़े जज्बातों को ठेस पहुंची है इदा तुम उठ के किसी चोर कह दौ बदमाश कह दौ मैं इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव हाँ मैनू पंजाब मैनू भलत के लोगों ने 1.5 लाख वोटर ने चुन के असैम्बली उस असैम्बली भेजा जिथे 13 साल मैंबर है या जिथे पहला तू आप सीगा और मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा हूँ मैं बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेरे वर्गे सारे चोरों के गुनाहगारा के खिलाफ वड्डा कैंपेन चलाया सीगा जिहदे करके तैनू दुख हुंदा वा। इसलिए मेरे अज विचार ये हैं अगली बार बोलेगा सोच समझ के बोलना जो बोलेगा तो वह जवाब तेनों ये भी करना मैं अवश्य दूंगा। थोड़ा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद।